रिश्तों की दोर। आप सच में सुहासता की जमानत करवाएंगे? हाँ, मैं सच में तुम्हारे भाई को जमानत दिलवाऊंगा। थैंक यू सो मच। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? वो तुम्हें देखकर मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा भाई वाकई बेगुनाह होगा। तुम जैसी मासूम लड़की का भाई कातिल कैसे हो सकता है? थैंक यू सो मच। इट्स ओके। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम अपनी बहन और मेरी बेटी के कातिल की जमानत करवाओगे? What the hell? Relax, Dad. मैं तारा की मौत का बदला जरूर लूंगा। मैं उस सुहास अभ्यंकर को भी सजा दूंगा, लेकिन अपने हिसाब से। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं उसकी जमानत खुद करवाऊं। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा डैड कि वो तड़पेगा लेकिन चीख नहीं पाएगा। वो सजा उसको उम्र कैद से भी ज्यादा महंगी पड़ेगी। राहुल? जी आप? हाय, नेहा सेन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, क्राइम ब्रांच। मिस्टर राहुल, मैं आपसे तारा धनराज मर्डर केस के बारे में कुछ पूछताछ करने आई हूँ। कैन आई कम इन? प्लीज कम इन, प्लीज हैव अ सीट। नो थैंक्स। मिस्टर राहुल, क्या आप किसी सुहास अभ्यंकर नाम के आदमी को जानते हैं? I don't think कि मैं किसी सुहास अभ्यंकर नाम के आदमी को जानता। ओके। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि तारा धनराज किसी सुहास अभ्यंकर नाम के आदमी को जानती थी या नहीं? जी, मेरी समझ से तो तारा किसी सुहास अभ्यंकर को नहीं जानती थी, बट अगर वो जानती होंगी तो मैं कह नहीं सकता। आई एम नॉट श्योर। Are you sure? I think so. Okay, I believe you. फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? क्योंकि मैं जानती हूं कि आप तारा धनराज के मंगेतर थे, and I'm sure वो आपसे सारी बातें शेयर करती होगी, right? देखिए, मैं इस बारे में और कुछ डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। तारा की मौत का मुझे भी अफसोस है, और if you don't mind, please leave me alone. I hope you understand. Okay, Mr. Rao. Thank you so much. Mr. Rahul, मुझे आपसे एक और बात पूछनी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने तारा धनराज के साथ अपनी सगाई क्यों तोड़ी थी? That's little personal. मैं अपनी personal life discuss नहीं करना चाहता। Okay, not a problem. लेकिन अगर मुझे पूछताछ के लिए आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर से आपको परेशान करूँगी। I hope you don't mind. Not at all. Please do, sir. Bye. सुहास, और कितने झूठ बोलोगे?
एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं अपने इन्वेस्टिगेशन से आज नहीं तो कल असली कातिल तक तो पहुंच ही जाऊंगी, और उस वक्त तुम मुझसे मदद की कोई उम्मीद मत रखना। नेहा को मेरी बातों पर यकीन नहीं है। वो जानती है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और वो सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन मुझे उस सच के उस बड़े दरवाजे तक पहुंचने से रुकना होगा, क्योंकि अगर वो दरवाजा खुल गया तो मेरी बहन की जिंदगी में खुशियों का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तेजु का भविष्य एक ऐसे अंधेरे में डूब जाएगा जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंच पाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। लेकिन अगर नेहा तेजु से मिली और तेजु ने उसे सच बता दिया तो मुझे किसी तरह से तेजू को समझाना होगा, कहीं वो जज्बात की लहरों में बहकर किसी बड़े तूफान को गले ना लगे। मुझे तेजू से मिलना होगा, लेकिन तेजू मुझसे यहां अभी तक मिलने क्यों नहीं आई? शायद उसमें मुझसे नजरें मिलाने की हिम्मत ना हो, अगर फिर भी मुझे उसे मिलना होगा, हर हाल में, हर कीमत पर। राहुल बेटा, बहुत परेशान लग रहा है, क्या बात है? नहीं मैम, कुछ खास बात नहीं। देख बेटा, कुछ बात तो जरूर है, वरना तू इस नए घर में पूजा नहीं करवाता। सच कहूं तो माँ, मैं काफी परेशान हूँ। ये सब तारे के घर वाले तुझे परेशान तो नहीं कर रहे ना? तू ऐसा क्यों बोल रही है माँ? इसलिए कि राहुल, मैं उनके घर गई थी तारा की मौत का अफसोस करने। मैंने उन लोगों की आंखों में तेरे लिए नफरत देखी है। मुझे बहुत डर है कि वो तुझे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। माँ तू फिक्र मत कर, तेरा बेटा हर मुश्किल का सामना करना जानता है। और रही इस घर की पूजा की बात, तो वो हम तेजू के ठीक होने के बाद ही करेंगे। पूजा तो तभी की जाती है ना माँ, जब मन साफ हो और उस पर कोई बोझ ना हो। तो बिल्कुल फिक्र मत कर, देखना तेजू को जल्द होश आ जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ माँ, कि तेजू को जल्द से जल्द होश आ जाए। एक बार वो ठीक हो जाए तो उससे मिलकर मैं अपने बीच की सारी गलतफहमियों को दूर कर देना चाहता हूँ। तभी मेरे दिल को चैन मिलेगा माँ। शुभांगी, क्या तुम जब भी यहाँ खड़ी होती रोना शुरू कर देते हो? चलो 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 भाग, चलो चल फिर। शुभांगी, आंसू हमें कमजोर बनाते हैं। दे मेक अस वीक मैन। मैं क्या करूं कुणाल, जब भी मैं तेजू को देखती हूँ मेरा दिल घबरा जाता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं,
फिर मैं नाज़मा को नहीं रोक पाती कुनाल, पता नहीं उसे कब होश आएगा। बहुत जल्दी आ जाएगा ताई। आज सुबह एक बहुत बड़े सर्जन तेजू का चेकअप करने आए थे। वो कह रहे थे इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और उसे बहुत जल्दी होश आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। अच्छा रीटा, ये इस सर्जन को बुलाया किसने? हमारे माइक्रोबायोलॉजी के लैब के जो हेड है ना, डॉक्टर मिलन केलकर, जिन्होंने तेजू को खून दिया था। हाँ हाँ, उन्होंने बुलाया था अपनी स्पेशल रिक्वेस्ट पर। डॉक्टर मैथ्यू की फीस इतनी महंगी है कि उनको बुलाने के बारे में सोचना भी बहुत महंगा पड़ता है। एक्सक्यूज मी ताई। कुणाल, ये डॉक्टर केलकर कितना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, पर वो क्यों कर रहे हैं इतना कुछ? हमारा तो उनके साथ कोई रिश्ता भी नहीं। हो सकता है कि जिस तरह तुम्हें उनके चेहरे में सुहास दा की झलक दिखाई देती है, उसी तरह उन्हें भी तेजू में अपनी बेटी दिखाई देती हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अरे कुणाल, ये मनु, मनु कहाँ गए, तुम्हें बता कर गई क्या? नहीं। अचानक कहाँ चले गए वो, समझ में नहीं आ रहा। ये आगे कहाँ गई थी तुम, ऐसे अचानक बगैर किसी को बताए कहाँ चली गई थी? ताई वो मैं वही पूछ रही हूँ कि कहाँ गई थी। नहीं ताई, एक्चुअली मैं बताने वाली थी। हाँ तो बताओ ना कहाँ गई थी, तुम्हें पता है ना यहाँ पर वैसे इतनी टेंशन है, तुम कहाँ चली गई थी बोलो। ताई मैं मिस्टर धनराज के घर गई थी। क्या तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाने की? हाँ किससे पूछ कर गई थी तुम? मेरा मुंह मत देखो, किससे पूछ कर गई थी तुम? शिवानी तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। तुम मेरी बात अब ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम बगैर किसी को बताए कहीं नहीं जाओगे, और मिस्टर धनराज के यहाँ तो बिल्कुल भी, समझे तुम? सुहास की फिक्र हमें भी है, बहुत चिंता है उनकी, और हम कोशिश कर रहे हैं उनकी जमानत करवाने की। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर धनराज के यहाँ गए थे, चुप रहो एकदम। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोग, ये लोग किसी के नहीं होते, ये कभी भी हमारी मदद नहीं करेंगे। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलवाऊं ताई कि सुहास दा की जमानत मिस्टर धनराज का बेटा कबीर धनराज करवाने वाला है। उसने खुद मुझसे कहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि सुहास दा की जमानत बहुत जल्द हो जाएगी। राहुल, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, मैं यहाँ तुम्हारा दुखी तो बांटने आई हूँ। लेकिन तुम यहाँ पहुंची कैसे? कहते हैं ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। लेकिन तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? ये कैसा सवाल है राहुल? मैं तुम्हें कंपनी देने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत अकेले हो गए, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें कंपनी दे दूँ। जी नहीं, मुझे आपकी इस मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे है जरूरत, मुझे जरूरत है तुम्हारे प्यार की राहुल, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे साथ की। राहुल जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सच। और अब तो हमारे बीच में कोई दीवार भी तो नहीं रही। किस्मत हमें मिलाना चाहती थी, और देखो ना किस्मत ने तारा को हमारे रास्ते से हटा दिया। अब तो सिर्फ तुम हो, मैं हूँ, और हमारी निशानी जो मेरे पेट में पल रही है। जो कुछ हमारे बीच था वो प्यार नहीं। कब तक राहुल, आखिर कब तक तुम तारा की यादों से अपना दिल बहलाते रहोगे? तारा मर चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाली है। सच तो ये है नायनिका, कि ना तो मैंने कभी तुमसे
और ना ही तारा से कभी प्यार। मेरी जिंदगी मेरा प्यार कोई और उसी की वजह से मैंने तारा के संग अपनी सगाई तोड़ी। मैं किसी और से प्यार करता हूं ना इनका। देखो राहुल, जब से मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तब से तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। और राहुल, अगर ये तुम्हारा कोई नया तरीका है मुझे अपनी जिंदगी से निकालने का, तो मैं इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली हूं, समझे तुम? और ये मत समझना राहुल कि तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैं तुम्हें हर हाल में हर कीमत पर हासिल करके रहूंगी। याद रखना, मुझे अवॉइड करना इतना आसान नहीं है। साहब चाय रखी हुई। देख रहा हूं और सुन भी रहा हूं, बिना बोले नहीं रह सकता। ये ठीक से चाय भी नहीं पीने देंगे। पुलिस स्टेशन। कबीर धनराज बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, किससे याद किया सर? मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि सुहास अभयंकर की जमानत कब होगी। होगी नहीं सर, आप टेंशन मत लीजिए, उसकी जमानत हो ही नहीं सकती। और वैसे भी उसने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया है, और जो मर्डर स्पॉट पर पिस्तल मिली है उस पर भी उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, उसकी जमानत हो ही नहीं सकती। इट इज इम्पॉसिबल सर। इस इम्पॉसिबल को तुम्हें पॉसिबल बनाना है भोसले। हम सुहास अभयंकर को सलाखों के बाहर देखना चाहते हैं। क्या क्या मतलब सर? मतलब ये कि अब तुम उसकी जमानत में टांग नहीं अड़ाओगे। लेकिन सर आपने तो कब? अब हर लेकिन से तुम्हें निपटना होगा भोसले। सिर्फ इतना याद रखना कि मैं सुहास अभयंकर को आजाद देखना चाहता हूं, समझे? सर लेकिन समझ में नहीं आता, कभी बोलते हैं जमानत होनी चाहिए, कभी बोलते हैं जमानत नहीं होनी चाहिए। ये बड़े लोगों का माइंडसेट अपने ऊपर से जाता है। नेहा बेटा, और कितना काम करोगी तुम? कभी तो अपनी चाची से मिलने की भी फुर्सत निकाल लिया करो। बस चाची, 10 मिनट और। तो बेटा ये दूध तो पी लो कम से कम। मैं पिछले 2 घंटे से तुम्हें खाना खाने के लिए बुला रही हूँ, लेकिन तुम्हारे 10 मिनट हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। और मुझे पता है कम से कम अगले 2 घंटों तक तुम खाना खाने आने वाली नहीं हो। क्या करूं चाची, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिल रहा है जो उसके फेवर में हो। एक बात पूछूं? तुम इतने सालों से ये पुलिस की नौकरी कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हें इतना परेशान आज तक नहीं देखा। अब ऐसा कौन सा केस आ गया जिसकी वजह से तुम खाना पीना तक भूल गई हो? तारा धनराज मर्डर केस के बारे में सुना होगा आपने, जो कोलाबा में हुआ था। वही, उसमें तो किसी सुहास अभयंकर को पकड़ा था ना तुम लोगों ने। अच्छा तो ये बात है। क्या बात है चाची? ये सुहास अभयंकर वही है ना जो तेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था? हाँ, पर आपको कैसे पता? अरे तुम्हारी सारी डायरी तो भरी हुई है उसकी तस्वीरों से, पता कैसे नहीं चले? चाची आपने मेरी डायरी तो नहीं पढ़ी ना? डायरी नहीं, मैंने तुम्हारी डायरी को हाथ नहीं लगाया। चाची मुझे एक बात बता, जब तुझे इतना पसंद करती थी उसे, तूने आज तक उससे बात क्यों नहीं की? करनी चाहिए थी, पर उस वक्त वो अपने बहनों की जिम्मेदारियों में इतना उलझा हुआ था, मेरे बारे में कैसे सोचता। और अब? अब उसकी शादी हो गई है। सॉरी।
मुझे माफ कर देना माँ, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि आत्महत्या करना पाप है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है माँ। शायद मुझ में आप जैसे लड़ने की शक्ति नहीं, मुझे माफ कर देना माँ। आप तो जानती हैं माँ, जब एक औरत इस समाज में बिन ब्याही माँ बनती है तो उसकी क्या इज्जत रह जाती है, समाज उसे किस नजरों से देखता है, ये आप तो जानती हैं ना। और इस सब के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानती हूँ माँ, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ मुझे माफ कर देना, मैं जानती हूँ कि ऐसा फैसला आपके सामने करना कायरता है, लेकिन सच मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं। क्या पता है?